हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एन सी आर टी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आज 50 प्लस क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, सभी सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है। दोस्तों लास्ट तक देखिए, टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 से अधिक है, अधिक है 50 से अधिक ही है, ठीक ना। लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, एकदम एक सीट पक्का करना है यूपी पुलिस में इस बार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट है तो आज कुल ज़्यादातर बताऊंगा नहीं, ज़्यादा ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल आज आंसर देखेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड होगा मेरा तो आप वीडियो को रुक कर भी देख सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी जरूर दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है। देख रहे हैं ना, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त है कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले का क्या हो जाएगा आंसर, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की दोस्तों अधिकता होती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल, वही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा आंसर दूसरे का आंसर दोस्तों, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है शीशा संचायक सेल में। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, बताइए। 150 की, 159 की, 165 की, 169। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों तीसरे का आंसर, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 159 लीटर होता है दोस्तों एक बैरल में, याद रखिएगा महत्वपूर्ण। चौथा नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। अलाव में कि जादूगोड़ा में कि खेतड़ी में कि सिंहभूम में। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी से होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन जबरदस्त है। अगला है कि सेरी कल्चर का संबंध किससे है, लाख से है, रेशम कीट से है, कि मधुमक्खी से है, कि मछली से है। पाँचवें का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी से होगा, ऑप्शन नंबर बी से होगा दोस्तों, रेशम कीट से, ठीक ना। छवा नंबर देख लेते हैं दोस्तों, छवा नंबर क्वेश्चन है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सेरस है, पलास है, कि जूनो है, कि वेस्टा है। सिक्स का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो सिक्स का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, सेरस है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सेवन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, 1920, 1926 की, 1933 की, 1936। सातवें का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1926 में प्राप्त हुआ था। एट नंबर देख लेते हैं दोस्तों, एट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है दोस्तों, मसूरी में, माउंट आबू में, नागपुर में, कि हैदराबाद में। क्या हो जाएगा एट का आंसर दोस्तों, तो एट का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हैदराबाद में होता है। 9 नंबर कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था। तो सिविल सेवा का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा होता, ठीक है। तो सिविल सेवा से कौन संबंधित है, लॉर्ड लिटन है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बीजक के रचयिता कौन है, बताइए। सूरदास है, कबीर है, कि रैदास है, कि पंपा है। क्या हो जाएगा 10 का आंसर, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कबीर है दोस्तों बीजक के रचयिता। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो सूरदास है, कि जयदेव है, कि चैतन्य है, कि तुलसीदास है। तो गीत गोविंद किसके रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये है जयदेव, ठीक ना। तो गीत किस तरह गाया जाता है, जयदेव जयदेव, जय जय का नारा लगाकर गाया जाता है, याद कर सकते हैं इस तरह। ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों, डेट बताना है, ठीक ना। डेट वाला एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन है दोस्तों 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, कि 30 जनवरी 1949। 12 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 13 नंबर है दोस्तों कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कि मोहम्मद अली जीना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, की जवाहरलाल नेहरू। तो कायदे आजम किससे कहा जाता है दोस्तों, 13 का क्या हो जाएगा आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोहम्मद अली जीना को दोस्तों कायदे आजम कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 14 नंबर
कि मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। 14 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1939 में मनाया था मुक्ति दिवस। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताइए, 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 की 13 मई 1952। क्या हो जाएगा 15 का आंसर, द 15 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 13 मई 1952 को दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 16 देख लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था बताइए, 26 जनवरी 1952, 19 मार्च 1952, 3 अगस्त 1952 की 11 फरवरी 1952। 16 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3 अगस्त 1952 को दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। 17 देख लेते हैं कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी बताइए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी, 1922 में, 1996 में, 1992 में, 1996 में, कि 1999 में, कि 1998 में। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1996 में दोस्तों इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होता है बताइए, सॉफ्टवेयर से, कि रत्न आभूषण से, कि चाय से, कि सूती वस्त्र से। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, रत्न आभूषण, रत्न आभूषण से दोस्तों विदेशी मुद्रा मद प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर है कि ओजोन परत अवस्थित है बताइए, क्षोभ मंडल में, कि समताप मंडल में, कि प्रकाश मंडल में, कि कोई नहीं। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आसान भी है, कुछ क्वेश्चन जबरदस्त भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान में आएगा, तो 19 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत स्थित होती है। 20 नंबर है दोस्तों कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, कि वायुमंडल। क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों, 20 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समताप मंडल में दोस्तों हवाई जहाज उड़ती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों 21 नंबर कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में स्थान पूछ रहा है भारतीय सड़क प्रणाली का, दूसरा, चौथा, कि तीसरा, कि पांचवा। क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दूसरा है। 22 देख लेते हैं कि विश्व में किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था बताइए, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, ब्रिटेन में, जर्मनी में, भारत में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। 22 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक, तो ये तो आप जान भी सकते हैं कि ब्रिटेन ने हम लोग के ऊपर दोस्तों कब्जा किया था, तो ब्रिटेन ही इसका आंसर हो जाएगा, उन्हीं के बदौलत हम लोग के यहाँ ट्रेनें चलती हैं। ठीक ना, उन्हीं की देन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान, मोहम्मद हसन, की मोहम्मद हुसैन। क्या हो जाएगा 23 का आंसर दोस्तों, 23 का ऑप्शन नंबर सी से रहेगा, मोहम्मद हसन दोस्तों इनका वास्तविक नाम था, अमीर खुसरो को, इनको तोतीय हिंद या तोता, भारत का तोता भी कहा जाता है। 24 है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, कि राजा राम मोहन राय, कि महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों, 24 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, की शाहनवाज खान। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो मोहन सिंह था। 26 देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन, 26 है कि किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की, तो पाकिस्तान की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जीना ने, वकार उल मुल्क ने, रहमत अल चौधरी ने। 26 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 26 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रहमत अली चौधरी ने। 27 देख लेते हैं दोस्तों कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है बताइए, हनोई है, कि बीचेओवर है, कि नोम नोप पेने है, कि अमान है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है। क्या हो जाएगा 27 का, 27 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हनोई है। 28 देख लेते हैं, सो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक डिग्री देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी लगभग कितनी होती है, 180 किलोमीटर, 162.6 किलोमीटर,
111.32 किलोमीटर के 111 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 28 का आंसर, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर होती है दोस्तों विषुवत रेखा पर, ठीक ना, एक देशांतर की दूरी होती है। 29 देख लेते हैं दोस्तों, 29 नंबर है कि विश्व के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, विश्व नहीं दोस्तों सॉरी पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, की शुक्र और शनि, की मंगल और शुक्र। 29 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 29 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मंगल और शुक्र। 30 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 30 नंबर है कि तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है किसका, सूर्य से दूरी का, उसके ज्योति ज्योति का, उसके पृथ्वी से दूरी का, कि उसके ताप का। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों, 30 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उसके ताप का सूचक होता है दोस्तों तारे का रंग, तारे का रंग किसका सूचक सूचक होता है दोस्तों उसके ताप का सूचक होता है। 31 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है, प्राकृतिक तत्व कौन है, यूरेनियम, थोरियम, कैलिकोरियम, कोरनियम की नेपच्यूनियम। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नेपच्यूनियम ये दोस्तों ये प्राकृतिक तत्व तो नहीं है। प्लास्टिक है, बताइए प्लास्टिक क्या है, अम्ल है कि बहुलक है कि क्षार है कि कोई नहीं। 32 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बहुलक है, प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है, ठीक ना। पॉलीथीन प्राप्त होता है, बताइए पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से, कि कोई नहीं। 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एथिलीन के बहुलक से दोस्तों प्राप्त होता है पॉलीथीन। 34 देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताइए, उत्सर्जन से है कि पराशर से है कि श्वसन से है, कि कोई नहीं। 34 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, श्वसन से दोस्तों संबंध होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। 35 देख लेते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, कि कोई नहीं। 35 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 35 का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, हरित लवक में, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो हरित लवक में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, ये भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है, बताइए कि भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन होती है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि मारवाड़ी, नेलौर, कठियावाड़ी, बुशेर। क्या हो जाएगा 36 का आंसर दोस्तों, 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना, नलवार, नेलौर, नेलौर होती है दोस्तों भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल होती है नेलौर। 37 है दोस्तों कि छाप खाना, छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, बताइए इटली में, जर्मनी में, कि चीन में, कि यूनान में। 37 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना, चीन, चीन में दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 38 नंबर कि रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है, बताइए कि रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है। 38 ऑप्शन नंबर है दोस्तों कि यूनानी, अरबी, लैटिन, की कोई नहीं। क्या हो जाएगा 38 का आंसर, 38 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लैटिन का दोस्तों प्रयोग होता है रोमन की सभ्यता में भाषा। अगला देख लेते हैं दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था, बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित कर दिया, चौरी चौरा कांड के कारण, ब्रिटिश सरकार के दमन उचाकर के कारण, कि नरम पंथियों का विरोध के कारण, कि जनता की उदासीनता के कारण। क्या हो जाएगा 39 का आंसर दोस्तों, 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला नंबर है दोस्तों ये 40 नंबर है कि ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई थी, बताइए ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई थी, 1755 में, 1757 में, कि 1758 में, कि 1756 में। क्या हो जाएगा आंसर 40 का, 40 का डी सही हो जाएगा, 1756 में दोस्तों ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। 41 नंबर देख लेते हैं कि 1757 में सिराजुद्दौला को किसने मारा था, बताइए किसने हराया था सिराजुद्दौला को, कैनिंग ने, हेस्टिंग ने, क्लाइव ने, कि कार्नवालिस ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए 41 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्लाइव ने दोस्तों सिराजुद्दौला को हराया था। 42 देख लेते हैं कि शेर शाह ने उपज का कितना भाग भूमि कर निर्धारित किया था, तो उपज का कितना भाग दोस्तों शेर शाह ने भूमि कर निर्धारित किया था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास
एक बटा दो, एक बटा तीन, एक बटा चार, एक बटा पाँच। 42 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक बटा तीन दोस्तों निर्धारित किया था शेर शाह ने, ठीक ना। 43 नंबर दे देते हैं क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, बताइए शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन दोस्तों शेर खां, फरीद खां, महावत खां की कोई नहीं। क्या हो जाएगा 43 का आंसर दोस्तों? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फरीद खां। फरीद खां नाम था शेर शाह के बचपन का नाम। 44 देख लेते हैं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए कालिंजर में, सातारा में, रोहतास में कि आगरा में। क्या हो जाएगा 44 का आंसर दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कालिंजर में मृत्यु हुई थी शेर शाह की, ठीक ना। 45 देख लेते हैं दोस्तों, 45 नंबर है कि कलकत्ता नगर यानी फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, बताइए 1690 में कि 1666 में कि 1680 में कि 1665 में। 45 का क्या जाएगा आंसर दोस्तों? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1690 में दोस्तों कोलकाता नगर विलियम फोर्ट, फोर्ट विलियम में स्थापना की गई थी, ठीक ना, यानी कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी 1690 में। 46 दे लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश के अधिकतम उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी होती है। 46 का ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 20, 25, 30 की 35। क्या हो जाएगा आंसर 46 का आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। एक और ऑप्शन रख लीजिएगा इनमें से कोई नहीं, नॉट, ठीक ना, जरूर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। 47 देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के तहत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो एक न्यायिक व्यवस्था किसके संविधान से प्रेरित है दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत? कनाडा से, फ्रांस से, ब्रिटेन से कि संयुक्त राज्य अमेरिका से? न्यायिक व्यवस्था किससे लिए गई है? क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कनाडा से लिया गया है, ठीक ना। 48 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में कब स्थापित किया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक ना। कब स्थापित किया था नागौर जिले में? 1950 में दोस्तों, 1954 में, 1959 में, 1957 में। 48 का क्या हो जाएगा आंसर? 48 का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 1959 में दोस्तों, 1959 के नागौर जिले में दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है, बताइए हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? पर्ल हार्बर, होनोलुलु कि हांगकांग कि कोई नहीं। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? 49 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होनोलुलु। होनोलुलु में दोस्तों हवाई द्वीप की राजधानी है। 50 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 50 नंबर है इन्हीं में सबसे भारी धातु कौन है, बताइए लिथियम है कि ओस्मियम है कि आयरन है कि सिल्वर है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 50 का? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है, अगला नंबर है कि 51 नंबर कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों लैमार्क, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक कि कोई नहीं। 51 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक ना। तो कोशिका शब्द सर्वप्रथम का प्रयोग किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था, बताइए नगरवासी निर्धनों का उत्थान, औद्योगिक कर्मचारियों का उत्थान, कि ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान, कि कृषकों का उत्थान। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान दोस्तों, ये उसका उद्देश्य था अंत्योदय कार्यक्रम का। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट नई दिल्ली में कब प्रकाशित हुई थी, तो मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों नई दिल्ली में कब प्रकाशित हुई थी ये पूछ रहा है, 2001 में, 2002 में, कि 2003 में, कि 2004 में। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 2002 में प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। 53 का बी। अगला 54 देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन विषय है, बताइए संघ सूची में है कि राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है कि कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन किस विषय में है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 54 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में दोस्तों आर्थिक नियोजन, ठीक ना, तो सी सही हो जाएगा। 55 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, की इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सबसे पुराना बैंक कौन है?
55 का क्या हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा, इलाहाबाद बैंक दोस्तों सबसे पुराना बैंक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों।